आप लोगों की एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। मुझे एलएनटी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम मिला है। मैं आज से काम में जा रहा हूँ। अच्छा, जाके आइए। ठीक है, मैं निकलना हूँ। बेटी, पापा काम पे जा रहा है। पापा, आते समय मेरे लिए चॉकलेट लाइए। ओ, सब लाता हूँ। पापा की टाटा बोल। टाटा। टाटा पापा। आप लोग अभी अभी इस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने के लिए आए हैं, इसलिए काम करते समय कैसे सावधान रहना है इसके बारे में हमारे सेफ्टी इंजीनियर तुम लोगों को अच्छी तरह से समझाएंगे। आइए, मैं आप लोगों को सेफ्टी इंडक्शन रूम ले जाता हूँ। सब लोगों को प्रणाम। प्रणाम सर जी। इस LNT ECC कंपनी में सुरक्षता को प्रामुख्य दिया जाता है। आप में कुछ लोग पहले से ही LNT कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते होंगे और कुछ लोग नए नए आए होंगे। अब मैं आप सब लोगों को साइट में काम करते समय कैसे सुरक्षित नियम लेना है इसके बारे में समझाता हूँ। आप सब लोग सावधान से सुनकर इसके बारे में अच्छी तरह से समझिए। हम सब लोग क्यों काम करने आते हैं, बोलिए। क्योंकि मेरे परिवार खुश रहना है। कमाया तो ही खा सकते हैं सर जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने बच्चों की भविष्य के लिए और हमारे परिवार को खुश रखने के लिए ही हम लोग काम पे आते हैं। पर ये सब ठीक तरह से होने के लिए तुम लोग साइट में सावधान से काम करके घर लौटना है। अगर सावधान से काम ना करें तो खतरे आ सकते हैं। इस वजह से जो लोग काम करते हैं परेशान में पड़ सकते हैं। असावधानी के कारण काम करने वाले लोग कैसे आतंक में पड़ सकते हैं जानना चाहते हो? पहला, सुरक्षा ना होने के कारण काम करने वाले लोग हाथ या पैर गंवा सकते हैं। कभी कभार खतरे के कारण जान भी जा सकती है। खतरे से लगे हुए चोट बहुत दर्दायक और परेशानी देती हैं। दूसरा, दुर्घटना में चोट लगा हुआ आदमी चोट पूरी तरह कम होने तक काम पर नहीं आ सकता। इसकी वजह से कमाई नहीं रहेगी, ऊपर से इलाज करने के लिए अपना ही पैसा खर्च करना पड़ता है, तब उसका परिवार भूखी रह जाती है। बच्चों की पढ़ाई भी रुक सकती है। तीसरा, दुर्घटना के वजह से आदमी अड़चन हो गया तो बाद में काम मिलना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से उसका भविष्य प्रश्नार्थक हो सकती है। दुर्घटना के वजह से चोट लगा हुआ आदमी ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार दुख सागर में डूब सकता है। इसलिए साइट में सावधान परखने के बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले सुरक्षा करने के साधनों के इस्तेमाल के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। हमारे शरीर में अति मुख्य भाग है सर। सर का सुरक्षा करना अति आवश्यक है। हमारी कंस्ट्रक्शन साइट में सर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी हेलमेट पहनना जरूरी है। इस हेलमेट के बगैर कंस्ट्रक्शन साइट में कहीं भी घूमना मना है और उस हेलमेट को सर पर अच्छे तरह एडजस्ट करके पहनना जरूरी है। काम करते समय कुछ भी गिरने पर यह हेलमेट चोट लगने से बचाती है। हेलमेट के रक्षणा के बारे में समझ गए ना? अभी वेल्डिंग करते समय आने वाले आतंकों और कारपेंट्री काम करते समय निकलने वाली चूर्ण और धूल से आंखों को सुरक्षा करने के बारे में हम अब देखेंगे। हमारे आंखों को रक्षणा देने के लिए साइट में अनेक उपकरणों को इस्तेमाल करते हैं। उन चीजों को कहां और कब इस्तेमाल करना है इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। इस चीज को कहां इस्तेमाल करते हैं क्या कोई बता सकते हैं? वेल्डिंग करने के समय। बिल्कुल ठीक कहा। वेल्डिंग करते समय फेस शील्ड को मुख में पहनना है। इसे हेलमेट के साथ भी पहन सकते हैं। इसमें लगा हुआ काला शीशा खतरनाक किरणों से हमारे आंखों को बचाती है। यही फेस शील्ड है। इस शीशे को हमें कारपेंट्री ग्राइंडिंग करते समय जरूर पहनना है। इसको पहनने से धूल या हानिकारक किरणों से हमारे आंखों को या मुंह को इस शीशे के द्वारा रक्षणा मिलती है। यह है गॉगल्स। ये आंखों की रक्षणा के लिए है। कंक्रीट या चिपिंग करते समय यह पहनना जरूरी है। इन सब उपकरणों को हर एक जगह पर पहनकर सुरक्षता से काम करना है। आंखों के रक्षण के बारे में समझ गए ना? हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में सीमेंट इस्तेमाल करते समय या रेत या मिट्टी इस्तेमाल करते समय या सफाई करते समय हमें नोज मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की जगह पर ज्यादा धूल या केमिकल पाउडर हो सकता है। इसके वजह से सांस लेते वक्त ये सब अंदर जाकर
हृदय संबंध व्याधि आने की खतरा है। उससे बचने के लिए नोज मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बस इतना ही नहीं, नोज मास्क को अच्छी तरह पहनने का ख्याल भी रखना चाहिए। नोज मास्क के जरूरत के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पर मेघ और लोह चीजों की वजह से पैर में चोट लगने से बचाने के लिए रक्षणा लेना है, इसलिए जूते पहनना जरूरी है। इसी तरह कंक्रीट और चीकड़ ज्यादा रहने के जगह पर काम करते समय गम बूट पहनना जरूरी है, क्योंकि सीमेंट ज्यादा रहने के जगह पर पांव बहुत देर रखने पे त्वचा संबंधित व्याधि आने की खतरा है। उससे बचने के लिए हमें गम बूट की आवश्यकता है। पैरों की रक्षणा के बारे में आप सब जान चुके हैं, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं क्या कोई बता सकते हैं? हाथों की रक्षणा के लिए। हाँ, हाथें हमारे शरीर की एक मुख्य भाग हैं। हमें साइट में काम करते वक्त हाथों को बचाने के लिए विविध हैंड ग्लोव्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उन्हें कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है इस बारे में देखते हैं। पहले कॉटन ग्लोव विद लेदर पाम को चीजों को उठाते समय, उदाहरण के लिए लोह चीजों और पाइप जैसे चीजों को एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते समय इस्तेमाल करना है। लेदर ग्लोव को वेल्डिंग और गैस कटिंग जैसे काम करते समय इस्तेमाल करना चाहिए और उसके संबंधित काम करते समय इसे जरूर पहनना चाहिए। पीवीसी और रबर ग्लोव को सीमेंट कंक्रीट करने के जगह पर और रसायन संबंधित चीजों को इस्तेमाल करते समय जरूर पहनना है। इन हैंड ग्लोव को ठीक तरह से इस्तेमाल करके हाथों की रक्षा करना है। कंस्ट्रक्शन साइट पर डीजल जनरेटर और कंप्रेसर जैसे यंत्रों के जगह पर काम करते समय ध्वनि कालुष्य ज्यादा रहता है। इस ध्वनि कालुष्य में ज्यादा देर काम करने से कानों को भगीरता आने की खतरा ज्यादा है, इसलिए कानों की रक्षणा के लिए ईयर प्लग और ईयर मफ को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अब साइट में ऊंचे जगहों पर काम करते वक्त ऊपर से नीचे न गिरने के लिए कैसे सुरक्षा लेना है क्या किसी को मालूम है? सेफ्टी बेल्ट लगा के ही काम करना है। ठीक कहा आपने। इस सेफ्टी बेल्ट को किन किन जगह पर कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ। हमें ऊंचे जगह पर काम करने के समय गलती से नीचे गिरने से बचाने के लिए हमारे बदन पर इस सेफ्टी बेल्ट को जरूर लगाना चाहिए। अच्छा, अब तक हम लोग सुरक्षा साधनों को इस्तेमाल करने के बारे में जान चुके हैं। हर एक आदमी खुद को और दूसरों को किसी भी तरह की तंग ना करके सुरक्षण से काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए हर एक आदमी को कितने ध्यान से काम करना पड़ता है इस बारे में सीधे साइट में जाकर देखते हैं। सब लोग मेरे साथ चलिए, साइट पे चलते हैं। वहां पे देखिए, इस तरह 2 मीटर और उससे ज्यादा ऊंचे पर काम करने के समय सेफ्टी बेल्ट को पहनना बहुत जरूरी है। सिर्फ पहनना ही नहीं, इस सेफ्टी बेल्ट में जो लैनयार्ड है उससे हमारे सिर के ऊपर हमारे बदन के वजन को तोलने की तरह एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर से निर्माण करना चाहिए। क्यों सिर के ऊपर ही निर्माण करना है सर? क्योंकि ये लैनयार्ड अगर नीचे निर्माण करें तो लैनयार्ड की ऊंचाई 2 मीटर रहने की वजह से हम 2 मीटर ऊंचाई से नीचे गिर सकते हैं। ऐसे गिरने पर बाकी स्ट्रक्चरों पर गिरकर चोट लग सकती है, इसलिए उसे सिर के ऊपर ही निर्माण करना चाहिए। उधर देखिए, वो आदमी जो पहना हुआ है उसे फुल बॉडी हॉर्न्स करके बोलते हैं। इससे हम ऊपर से नीचे गिरने के समय हमारे बदन के वजन के साथ साथ वह भी स्टिफ रह के चोट लगने से बचाती है। आप लोग वहां देखिए, वहां एक टावर एरेक्शन चल रहा है। ऐसे खतरनाक स्थिति पर काम करने के समय वे लोग डबल लाइन यार्ड करके एक स्पेशल सेफ्टी बेल्ट को लगाकर काम कर रहे हैं। ऐसे समय में ऊपर जाते वक्त या उतरते वक्त दोनों लैंड यार्ड्स में कहीं एक लैंड यार्ड सभी समयों में अच्छी तरह से बांधना चाहिए। सर जी, दीवारों पर चलने के वक्त सेफ्टी बेल्ट को कैसे इस्तेमाल करना है बोलिए सर जी। उन जैसे जगह पर चलने के समय हमें लाइफलाइन इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पर चलना चाहिए। उधर देखिए, वहाँ काम करने वालों को सेफ्टी बेल्ट बांधने के लिए जगह ही नहीं है, इसलिए वे 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को रस्सी बांधकर उसको सेफ्टी बेल्ट को बांधते हैं। ऐसे करने से एक जगह से दूसरी जगह को आसानी से जा सकते हैं। गलती से गिरने पर भी वह रस्सी उन लोगों को बचाती है।
इतना ही नहीं, वह रस्ती 8 एमएम का वायर रोप या 1 इंच का पॉलीप्रोपलेन रोप होना जरूरी है। उस रस्सी को 15 डिग्री के एंगल में बांधना चाहिए। क्या हुआ? अच्छा हुआ, देखें आप लोग, इस फ्लोर ओपन के नीचे सेफ्टी नेट बांधने की वजह से वह नीचे नहीं गिरा, सेफ्टी नेट में गिरकर बच गया। इसी तरह ऊपर से गिरने वाली किसी भी चीज को नीचे काम करने वाले आदमियों के ऊपर गिरने से ये सेफ्टी नेट सुरक्षित से बचाती है। वहां देखिए, आधा कंस्ट्रक्शन किया हुआ लिफ्ट शेयर ओपनिंग और एसी डक जैसे निकाला हुआ ओपनिंग्स में बैरिकेशन किया जा रहा है। इस तरह के ओपनिंग को कवर करके बंद करना चाहिए। आइए हम सब नीचे चलते हैं। देख लिया तुम्हें, नीचे गिरने से ये हैंड रंस बचा लिया। हमें सीढ़ियों पर चलते समय परमानेंट हैंड रंस नहीं होने के कारण इसी तरह 1 मीटर तक, मतलब हमारे कमर के ऊपर तक ऐसा रक्षण बनाना अवश्य है। देखिए, इस तरह के लूज मटेरियल फ्लोर एज पर नहीं रहना है। हमारे पैर लगकर वहां से नीचे गिरने की बहुत चांसेस हैं। इसलिए जिधर भी ऐसे चीजें हो सकती हैं, वहां पर गार्ड रेल्स और टो गार्ड रखना जरूरी है। इतना ही नहीं, फ्लोर एज के पास चीजों को रखना गलती है, उन्हें एज से थोड़ी दूर तक रखना चाहिए। सर जी, वहां पर थोड़े लोग कूद रहे हैं, वैसे स्थिति में हमें कैसे सुरक्षित लेना पड़ता है, समझाइए। आइए हम वही जाके देखते हैं। साधारण धरती के नीचे इलेक्ट्रिकल केबल, गैस लाइन, वाटर लाइन जैसे कनेक्शंस हो सकते हैं। खोदने से पहले उस जगह पर नल लेन या गैस लेन है या नहीं, खोदने की जगह सुरक्षित है या नहीं, ये सब अपने सुपरवाइजर से पूछ के बाद में खोदना जरूरी है। उनके अनुदेश के अनुसार ही काम करना है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स अगर है तो वहाँ इंसुलेटेड क्रोवर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह कोई भी गलती से अंदर ना गिरने के लिए खोदे हुए जगह के चारों ओर बैरिकेशन लगाना जरूरी है। खुदे हुए जगह को दिखवाने के लिए चेतावनी बोर्ड और रात में देखने के लिए इलेक्ट्रिकल लैंप लगवाना जरूरी है। देखे ना, खोदा हुआ जगह से निकला हुआ मिट्टी को कम से कम 1 मीटर दूर पे फेंकने से मिट्टी में बिना फंसे वहाँ काम करने वाले लोग बच सकते हैं। इतना ही नहीं, खोदा हुआ जगह के आसपास किसी भी गाड़ी को आने से रोकना है। गाड़ी को थोड़ी दूर में रोकना ही सबके लिए सुरक्षित है। गड्ढे में उतरकर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना जरूरी है। क्यों सर, गड्ढे को ऊपर से नीचे की तरफ टेढ़ा खोद रहे हैं? ओह, मुझे मालूम। पिछले साइड पे काम करते वक्त मेरे साथ काम करने वाला साथी गड्ढे के अंदर दीवार को सीधा खोद रहा था, जिसके वजह से एक बार मिट्टी फिसल कर उनके ऊपर ही पड़ गया। बचाओ, 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 बचाओ। इसलिए वैसी जगह पर मिट्टी के डर से बचने के लिए गड्ढे की दीवार को टेढ़ा खोद रखे हैं। ठीक कहा आपने, इस तरह खोदने से कुछ नहीं होता है। इतना ही नहीं, उसके नीचे से सुराख डालना गलती है, मतलब अंडरकटिंग करना गलती है। अगर पहले ही कंस्ट्रक्शन के लिए कहीं खोद कर हुआ हो तो अपने सुपरवाइजर को पूछ कर सुरक्षा नियम से काम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पास वाले कंस्ट्रक्शन को हानि पहुंच सकती है। ऊंचे जगह पर सावधान से रहने के बारे में मैंने आपको बताया। इन जैसे ऊंची जगह पर चढ़ने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम है स्कैफोल्ड। उधर सावधान से काम करने के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। आइए, ऐसे स्कैफोल्ड को इरेक्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट में विविध मित्र रहते हैं, सिर्फ वे लोग ही इसे इरेक्ट करना चाहिए। ऐसे स्कैफोल्ड में टैग सिस्टम होता है, उसके बारे में किसी को मालूम है क्या? मालूम है सर, अगर उस स्कैफोल्ड में लाल रंग टैग है तो उस पे दूसरे लोग चढ़ना मना है, सिर्फ इरेक्ट किए लोग चढ़ सकते हैं, यही उसका अर्थ है सर। ठीक कहा आपने, तो फिर हरे रंग में टैग रहे तो उसका अर्थ क्या है? मालूम है सर, उसका फूल इस्तेमाल करने के लिए तैयार है सर। बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपको काम करते वक्त इसमें कुछ गलती लगा तो इंजीनियर को बुलाकर इसके बारे में बताना चाहिए, वह आके उसको ठीक करेंगे, अन्य लोग उसे ठीक करना गलती है। देखें क्या अंदर के जैसे स्कैफोल्ड में हर 6 मीटर के बीच में अच्छी तरह से स्ट्रक्चर बांधना जरूरी है। देखिए,
इस तरह के स्क्रब फोल्ड में हम खड़ के काम करने के लिए स्क्रब फोल्ड बोर्ड इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें चढ़ के उतरने के लिए हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। उधर देखिए, बाजू में काम करने वाले न गिरने के लिए रक्षण देते हुए मिड ट्रेल या टॉप ट्रेल रहना चाहिए। देखा, वह काम करते वक्त पीछे आया है, पर वह न गिरने के लिए वहां रखा हुआ टॉप ट्रेल और मिड ट्रेल रक्षण देती है। वो क्या है सर? कौन सा वो? वही है मोबाइल स्क्रैप फोल्ड। उस मोबाइल स्क्रैप फोल्ड के नीचे चार चक्का होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह को आसानी से जा सकते हैं। देखो वह आदमी उसे कैसे रोक रहा है, उस स्क्रैप फोल्ड के नीचे स्टॉपर को इस्तेमाल करके रोक रहा है। ऐसा करना गलती है, कोई आदमी ऊपर काम करने के वक्त स्क्रैप फोल्ड को चलाना गलती है। सिर्फ स्क्रैप फोल्ड ही नहीं, साइट में हम लोग सीढ़ियां भी इस्तेमाल करते हैं। उसे इस्तेमाल करते वक्त कैसे सुरक्षित रहना है इस बारे में हम लोग खुद जाके देखते हैं। चलिए मेरे साथ। वहां देखिए वह क्यों गिर गया, क्योंकि हमें कभी भी सीढ़ी को 1:4 में झुका के रखना चाहिए। वही ठीक है। वह क्यों गिर गया, क्योंकि वह सीढ़ी अच्छी लकड़ी की बनी हुई नहीं है, इसलिए अच्छी लकड़ी से बनाया हुआ सीढ़ी ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। टूटी हुई सीढ़ियों को इस्तेमाल करना भी गलती है। ऐसे चीजों के ऊपर सीढ़ी को रख के ऊपर चढ़ना गलत बात है। हम जो सीढ़ी प्रयोग करते हैं वो वर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर 1 मीटर ज्यादा रहना बहुत जरूरी है। उधर देखिए, वो जो कर रहा है वही सही है। सीढ़ी को फिसले बिना रखने के लिए रस्सी से बांधना जरूरी है। वहां देखिए, वह बांधने के समय नीचे एक आदमी पकड़ के खड़ा हुआ है। सीढ़ी को रस्सी से बांधने के वक्त नीचे एक आदमी सीढ़ी को पकड़कर खड़ना जरूरी है, बल्कि सीढ़ी में चढ़ने के वक्त रंच को पकड़कर संभाल के चढ़ना चाहिए। वही ठीक मार्ग है। सीढ़ियों को फ्लैट सरफेस पे रख के चढ़ना ही सुरक्षित है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिकल खंबे के नीचे लोह की सीढ़ी यूज करना गलत बात है। सर वहाँ क्यों क्रेन को उपयोग करके काम कर रहे हैं? अच्छा वो, कभी कभी ऊंची बिल्डिंगों पर स्क्रब फोल्ड का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए क्रेन का उपयोग कर आदमियों को पहुंचाते हैं। वहां कैसे सुरक्षण लेकर काम करते हैं जानने के लिए वहीं जाकर देखते हैं। ऐसे क्रेन के केज में काम करने के वक्त केज के चारों ओर क्रेन के हुक को लगवाना जरूरी है। बस इतना ही नहीं, वहां काम करने के वक्त सेफ्टी बेल्ट को क्रेन के हुक को बांधना जरूरी है। उसी तरह एक टैग लाइन को इस केज के साथ बांधकर सुरक्षित से काम करना चाहिए। अब तक सब जगह पर किस तरह सुरक्षित से काम करना है इस बारे में बोल चुका हूँ, और अब किन किन जगहों में कैसी मटेरियल और इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है इस बारे में आप सब लोगों को बताता हूँ। सुनिए, साधारण में कंस्ट्रक्शन साइट पर चीजों को यंत्रों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह को ले जाते हैं। हाथों से चीजों को ले जाना अच्छी बात नहीं है, फिर भी कुछ आवश्यक समयों में हाथों से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। ऐसे स्थितियों में कैसे सावधान से काम करना है मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। उधर देखिए, हाथों से वे लोग चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। ऐसे समय में कैसे सुरक्षित रहना है मालूम है क्या? उस आदमी की तरह किसी भी चीज को एकदम कमर झुका के उठाना गलत है। उधर देखिए, उनकी तरह किसी भी चीज के पास अपने पैर को रखना जरूरी है। उसके बाद अपने हाथों से उस चीज को कवर करके बलबूती से पकड़ना है। इतना ही नहीं, उस चीज को अपने उंगली से नहीं बल्कि हाथ के ग्रिप से संभालना है। उसके बाद अपने पीठ को सीधे रखकर सांस को अंदर लेकर चीज को उठाना है। किसी भी चीज को उठाते वक्त उसके पूरे वजन को अपने पैर में संभालना चाहिए, पीठ से नहीं। उसके बाद उस चीज को अपने शरीर से लगाकर एक जगह से दूसरी जगह को ले जाना चाहिए। कुछ समय में ज्यादा वजन के चीजों को उठाने के लिए कम से कम 4 या 5 लोग मिलकर ही उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहिए। किसी चीज को उठाने से पहले जाने वाले रास्ते को साफ रखना जरूरी है, और उस चीज को कितनी दूर पहुंचाना है इस बारे में पहले ही हिसाब करना चाहिए। उस चीज को उठाने वाले सब लोग एक ही हाइट रहना अच्छा होगा। क्रेन इस्तेमाल करके उठाते है ना, उस वक्त सुरक्षित से कैसे रहना है सर? बोलता हूँ,
एक जगह से दूसरी जगह को चीजों को पहुंचाने के लिए हम क्रेन इस्तेमाल करते हैं, उस समय कैसे सावधान रहना है जानने के लिए उधर जाकर देखते हैं। चलिए देखिए, क्रेन द्वारा एक चीज को उठाने के समय चीज के नीचे उसका मूवमेंट नियंत्रण करने के लिए जरूर एक टैगलाइन बांधना चाहिए। कुछ खतरा न रहने के लिए क्रेन का स्लिंगिंग कैपेसिटी लोड से भी ज्यादा रहना चाहिए। वैसे भी उसके नीचे कोई भी ना रहे तो अच्छा होगा, इसलिए क्रेन द्वारा किसी भी चीज को उठाते वक्त आजू बाजू में किसी को भी ना रहना देना है। उन्हें देखिए, वे ठीक कर रहे हैं। क्रेन द्वारा चीज को उठाने से पहले उसकी स्लीव्स ठीक ठाक है या नहीं देखना जरूरी है। उधर देखिए, ऐसे ऊपर उठाया हुआ चीज को अच्छी तरह से ठीक जगह पर छोड़ने के बगैर बीच में लटका कर छोड़ना गलत है। वो आदमी कौन है सर? कौन वह? वो है क्रेन द्वारा चीजों को उठाने या निकालने के बारे में हाथ दिखाने वाला सिग्नल मैन। उनके सिवा यह काम किसी को भी करना मना है। वे लोग जरूर फ्लोरेसेंट जैकेट पहनना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, वहाँ देखिए, उधर दो सिग्नल मैन है। क्यों मालूम? ये क्रेन 2-3 बिल्डिंग के उस तरफ लोड को ले जाता है। वहाँ पे दो सिग्नल मैन उस क्रेन के मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। उधर देखिए, क्रेन जैसे यंत्रों को उन लोगों के बगैर कोई भी कंट्रोल करना गलत है। उस साइट के बारे में पूरी जानकारी हुए सिग्नल मैन ही सिग्नल देके काम करना है, और क्रेन का हुक सेफ्टी लॉक से बंद करना आवश्यक है। विद्युत की वजह से आदमी को बहुत सारे तंग पहुंच सकते हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर विद्युत के द्वारा काम करने वाले यंत्र बहुत हैं, इसलिए विद्युत से कैसे सावधान रह के काम करना है इस बारे में देखते हैं। उधर देखिए, वहाँ एक रेड हेलमेट पहना हुआ आदमी है ना, वही इलेक्ट्रिशियन है। कंस्ट्रक्शन साइट में किधर भी कौन सा भी इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल वर्कर ही ठीक आदमी है। अन्य लोग यह काम नहीं करना है। साइट में जो भी इलेक्ट्रिकल यंत्र रहेगा उन सब को बारिश से बचाने के लिए इस तरह कवर करके रखना जरूरी है। नुकसान को देख रहे हैं ना? ऐसे वायर को बाहर रखने से हमारे जान को ही खतरा हो सकता है। वो गलत कर रहा है। काम करने वाले लोग दोपहर में इलेक्ट्रिकल शेड के अंदर जाकर चीजों को रखना या वहां पे सोना गलत है। ऐसे काम को किसी को भी करना मना है, और रास्ते में इलेक्ट्रिकल वायर्स रखना मना है। ये गलत है। इस तरफ प्लग के बगैर इलेक्ट्रिकल बोर्ड में वायर घुसाना गलत है, और रात में ऊंचाई में काम करने के वक्त हैलोजन लैंप इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब जलते समय उसको एक जगह से दूसरी जगह को लाना गलती है। वो आपके जान को खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रिकल मशीन को इस्तेमाल करने के वक्त सब लोग इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए इस RCCB को इस्तेमाल करना चाहिए। सब विद्युत यंत्रों को अर्थिंग देना जरूरी है, तभी हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकते हैं। और लोह से बने चीजों को इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर से ले जाना गलत है। आपने हमें विद्युत से कैसे सावधान रहना करके बोल चुके हैं। वैसे ही साइट में जो हर एक मशीन को कैसे सुरक्षण से इस्तेमाल करना है बोलिए। जरूर, सब लोग मेरे साथ आइए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देख लिया वह कैसे खतरे में पड़ा? इस तरह घूमने वाली परिक्रम पर काम करते समय टवल या मफलर पहनना गलत बात है। वहाँ देखिए, वह आदमी लकड़ी को काट रहा है। ऐसे काम करते वक्त उस यंत्र को गार्ड से पूरी तरह बंद करना जरूरी है। ऐसे यंत्र चलने के वक्त उसके ऊपर पड़ना या उसको ठीक करना या सुरक्षा कवच को निकालना खतरा दे सकता है, और काम पूरा होने के बाद मशीन को स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है, और यंत्र चलने के समय उसको हटाना या लुब्रिकेट करना गलत है। क्रेन, बिल्डर हॉइस्ट, विंच, इस तरह के मशीनों को ऑथराइज पर्सन ही ऑपरेट करना है। साइट में विविध रीति में कैसे सुरक्षित रहना है करके देखे हैं। सिर्फ हमारी रक्षा ही बस नहीं है, हमारे चारों ओर भी शुभ्र रखना है। हम काम करने के जगह कैसे सुरक्षित से रह सकते हैं इस बारे में देखते हैं। इधर देखिए, ये जगह कितना शुभ्र है, और इस जगह को देखिए, चीजें इधर उधर पड़ी हैं। ऐसा हो तो हम कैसे सुरक्षित काम कर सकते हैं? तुम लोगों को कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा बुरा लगता है?
इसलिए इन सब को कैसे सुरक्षित रखना है इस बारे में देखते हैं। बगैर काम के चीजों को एक अलग जगह पर रखना चाहिए। ऐसे नहीं करना है, हमें पाइप्स, टाइल्स और चीजों को एक जगह पर जमा कर रखना चाहिए और जमाए हुए चीजें हमारे हाथ को अपड़ना चाहिए, मतलब 5 फुट के ऊंचाई तक ही रहना चाहिए। रास्ते में कौन से भी चीज को नहीं रहने देना है। ऐसे पिछले बिन न रहने के लिए यंत्रों में डालने वाले तेल को नीचे नहीं गिरना है, गलती से गिर गया तो तभी साफ करवाना चाहिए। इस तरह की तंग से बचने के लिए मेखें जो जरूरत नहीं है उन्हें निकाल कर एक जगह में डाल के रखना जरूरी है। देखिए, इस तरह आग न लगने के लिए जलाव साधनों को, मतलब पेट्रोल, डीजल को अलग जगह में रखना सबके लिए सुरक्षित है और इस तरह की साधनों से दूर रखना भी अच्छा है। इन जैसे जगह में चेतावनी बोर्ड रख के सबको सूचित करना अच्छी बात है। हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पर कंप्रेस्ड गैस इस्तेमाल करते हैं, ऐसे समय पर उस चीज को ठीक तरह कैसे इस्तेमाल करना है इस बारे में देखते हैं। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को कभी भी सेफ्टी वॉल्व कवर करके उसे सुरक्षित जगह पर बांध कर रखना है। सिलेंडर को सीधा खड़ा रखना चाहिए। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को उसके लिए बनाया हुआ सिलेंडर कार्ड या हैंड ट्रक्स के सहाय से ले जाना चाहिए। सिलेंडर को देखभाल से ले जाना चाहिए और उसके सेफ्टी वॉल्व कवर्स ठीक तरह से बंद रखना चाहिए। कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर को खींचना या ढकेलना नहीं चाहिए। सिलेंडर को ले जाने के वक्त कुछ लीक है या नहीं जानने के लिए साबुन के पानी का उपयोग करना चाहिए। सिलेंडर को अति सुरक्षित से एक जगह पर रखना चाहिए। सिलेंडर को हवा के झोंके से, गर्मी और आग जैसे चीजों से दूर रखना अच्छी बात है। खाली सिलेंडर को पूरी सिलेंडर से अलग रखना चाहिए। खाली सिलेंडर को पहचानने के लिए एम्प्टी सिलेंडर करके बोर्ड रखना चाहिए। इसी तरह पूरी सिलेंडर के पास भी फुल सिलेंडर करके बोर्ड रखना चाहिए। मेरून कलर है तो वह एसिटिलीन गैस सिलेंडर, रेड कलर है तो वह एलपीजी सिलेंडर। होस जॉइंट्स के लिए ठीक तरह से और ठीक मेजरमेंट की क्लैंप इस्तेमाल करना चाहिए। ISI चिन्ह हुआ रेगुलेटर और होस को ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक तरह का टैग या लेबल नहीं हो तो वह सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करना है। अगर फिर भी आग लग गया तो उस दुर्घटना से बचने के बारे में अब आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन साइट पर फायर एक्सीडेंट अगर हुआ तो जल्द से जल्द फायर कंट्रोलर्स उपयोग करना अवश्य है। आग को रोकने के बारे में बताने से पहले आग कैसे लग सकती है इस बारे में बताता हूँ। आग लगने का 3 मुख्य कारण होते हैं, फ्यूल जैसे चीज, ऑक्सीजन और बहुत सारा गर्मी। ये 3 मुख्य कारण होते हैं। इन तीनों के कारण से आग लग सकती है। इन 3 में अगर एक न हो तो आग नहीं लग सकती है। इसी तरह आग लगने के वक्त हम अगर किसी एक को कम कर दें तो आग बुझ सकती है। आग को बुझाने के वक्त इन चीजों को ध्यान में रखने से आग को आसानी से रोक सकते हैं। मामूल से आग को क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी करके 4 विधानों में बोल सकते हैं। लकड़ी, कपड़ा और कागज पे लगने वाले आग को क्लास ए करके बोलते हैं। मोम जो आग में जल्दी से पिघल सकती है और डीजल, पेट्रोल जैसे तेल के वजह से लगने वाले आग को क्लास बी बोलते हैं। एसिटिलीन और LPG गैस से उगने वाली आग को क्लास सी बोलते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे केमिकल से उगने वाली आग को क्लास डी करके बोलते हैं। ए, बी, सी के वजह से आग लगे तो हमें कैसे नियंत्रण लेना है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। साइट में आग रोकने के लिए इस तरह के लाल रंग के सिलेंडर आप देखे होंगे। ड्राई केमिकल पाउडर से भरा हुआ इस फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा क्लास ए, बी, सी से उगने वाली आग को आप रोक सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को उपयोग करने के लिए पहले सेफ्टी क्लिप को निकालकर इस प्लंजर को दबाना चाहिए। उसके बाद इस होस के जरिए एक सफेद रंग का पाउडर बाहर आएगा। उस पाउडर को आग के ऊपर इस तरह मारना चाहिए। यह पाउडर
आग के आसपास ऑक्सीजन को कंट्रोल कर आग को बुझाती है। बस इतना ही नहीं, फोम एक्सटिंग्विशर के जरिए भी हम आग को बुझा सकते हैं। ऐसे एक्सटिंग्विशरों को डीजल और पेट्रोल से उगने वाली आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे एक्सटिंग्विशरों को उपयोग करने के लिए इस सेफ्टी पिन को निकालकर उसके बाद प्लंजर को दबाना चाहिए और होस के जरिए फोम निकल के बाहर आती है। इस फोम को आग के ऊपर मारने से ऑक्सीजन कंट्रोल होकर आग बुझ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर को भी आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे एक्सटिंग्विशरों को बी और सी से उगने वाली आग को बुझाने के लिए उपयोग करते हैं। सेफ्टी पिन को निकालने के बाद इस नॉब को खोलना है। इस हॉर्न के जरिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आकर आग से मिल जाती है। इससे ऑक्सीजन कंट्रोल होकर आग बुझ जाती है। आग को रोकने के वक्त सबसे पहले हमें मुख्य नियमों को ध्यान में रखना है। पहला, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आग लगने पर आग रोकने के लिए पानी नहीं उपयोग करना है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने की खतरा है। दूसरा, क्लास ए आग को रोकने के लिए पानी और मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, एक्सटिंग्विशर को हवा मारने के तरफ उपयोग न करना है। ऐसे करने से यह केमिकल पाउडर आग को बिना लगे हवा में मिल जाता है। चौथा, CO2 सिलेंडर यूज करने के वक्त सिलेंडर बहुत ठंडा रहता है, इसके वजह से कोल्ड बर्न होने की खतरा है। इसके वजह से सिलेंडर के मेटालिक पार्ट्स पे बिना हाथ लगाए उपयोग करना है। फायर एक्सटिंग्विशर को खोलने के वक्त शरीर से दूर रखकर खोलना हमारे लिए सुरक्षित है, नहीं तो सिलेंडर के प्रेशर के वजह से सिलेंडर का कैप हम पर लगकर चोट दे सकती है। आग लगना शुरू होते वक्त उसको बुझाना आसान है, इसलिए आग लगते ही फायर एक्सटिंग्विशर को लाके आग को उसी वक्त बुझा देना बहुत जरूरी है। अगर ना बुझा सके तो अपने ऊपर अधिकारी को बुलाकर बताना जरूरी है। अभी तक सावधान से काम करने के बारे में मैंने आपको बताया। इस कंस्ट्रक्शन साइट पर नए नए आए हुए लोगों को कैसे काम करना है बोलता हूँ, सुनिए। सब लोगों को सावधान से काम करना है। अगर किसी को खतरा हुआ तो अपने सुपरवाइजर को बोलकर फर्स्ट एड सेंटर को इलाज के लिए लाना है। यहाँ काम करने वाले लोगों के सुविधा के लिए यह बनाया गया है। अगर यहाँ पूरी तरह से इलाज ना हुआ तो अस्पताल ले जाके इलाज करवाएंगे। वो आदमी गलत कर रहा है। चोट लगने पर किसी न किसी दवा को लगाना गलत है। ऐसे वक्त पर फर्स्ट एड सेंटर को जाना चाहिए। हमें सुरक्षितता से काम करना चाहिए, ये गलत है। कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर दारू पीना, सिगरेट पीना मना है और साइट के अंदर किसी भी गाड़ी को 20 किलोमीटर से ज्यादा चलाना मना है। देखें क्या, गाड़ियों को पीछे लेते समय अच्छी रिवर्स हॉर्न लगाना जरूरी है, ये गलत है। किसी भी हालत में रुके हुए गाड़ी के नीचे सोना खतरा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन साइट में परमिशन दिया हुआ आदमी ही गाड़ी चलाना है और कोई चला नहीं सकते। ट्रैक्टर टायर गार्ड पे बैठना या ट्रैक्टर के लिंक पे बैठकर जाना या खड़े होकर जाना गलत है, ऐसे करना गलत है। साइट में खतरनाक चीजों से खेलना या उससे दूसरों को भगाना गलत है। अब तक मैं आप लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट पर कैसे सावधानी से काम करना है और मशीनों में सुरक्षित से कैसे काम करना है इस बारे में बता चुका हूँ। इन चीजों को ध्यान में रखकर आप लोगों को सुरक्षितता से और सावधान से काम करना है। अब तक मैंने सावधान से काम करने के बारे में कहा, अब तुम लोग जिस जिस को जो जो काम दिया हुआ है उस काम को ध्यान से करना शुरू करो। बहुत शुक्रिया संजय। आइए, मैं आपकी ही इंतजार कर रही थी। काम पूरा हो गया ना? आज का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज हमें सुरक्षा के बारे में सिखाया, वो मेरे लिए बहुत फायदा है। पापा, मेरे लिए चॉकलेट लाने वाले थे ना, लाए क्या? हाँ लेके आया, ये सब तेरे लिए। पापा, ये चॉकलेट बहुत अच्छे हैं।